केंद्र में आपका स्वागत है। वी आर कनेक्टिंग द कॉल टू आर एजेंट, प्लीज बी ऑनलाइन। हम आपकी कॉल अपने प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर रहे हैं, कृपया लाइन पे बने रहे। प्लीज बी ऑनलाइन व्हाइल वी आर कनेक्टिंग टू आर एजेंट। आपकी कॉल प्रतीक्षा में है, कृपया लाइन पे बने रहे। यू कैन ऑल्सो सेंड अस मेल फॉर एनी टेक्निकल क्वेरी रिलेटेड टू ILP नोटिफिकेशन एट rrb.help@csc.gov.in। नोटिफिकेशन के किसी तकनीकी सहायता के लिए हमें rrb.help@csc.gov.in पर लिखें। वी आर कनेक्टिंग द कॉल टू आर एजेंट, प्लीज बी ऑनलाइन। हम आपकी कॉल अपने प्रतिनिधि को। नमस्कार, आपका स्वागत, बताइए किसको क्या सहायता कर। जी मुझे असल बात है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। हेलो सर, मेरे पास ना कल एक मैसेज आता है टेक्निकल, वो उसको टेक्निकल हो लेगा जो टेक्निकल पोस्ट है। जी क्या मैसेज है? तो सर उसमें ना मतलब कि फोटो ना री अपलोड के लिए फोटो ना मेरे को मैसेज आता है। तो आप री अपलोड कर दीजिए आया तो। तो सर मुझे ना बस एक बात पूछनी थी सर, मेरा मतलब कि मैंने के सेम फोटो ALP में लगाया हुआ है और सेम सिग्नेचर है मेरे, तो सर उसमें तो मेरे फॉर्म के लिए एक्सेप्ट हो गया, पर लेकिन सर क्या टेक्निशियन में मेरे पास मैसेज आ गया। तो सर मुझे ये पूछना सर, ये फोटो है जो सर ये दोबारा से ना दोबारा से लेकर दोबारा से लगानी है न्यू फोटो, या फिर सर वो ALP वाली के नाम अपलोड करनी दोबारा से? उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसमें मैसेज है उसमें करिए आप जी। तो सर मुझे सिर्फ ये पूछना सर कि ना मुझे फोटो जो है न्यू लगानी है या फिर कि ना ALP वाली लगेगी? न्यू लगाइए, न्यू फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जी। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार, यह कॉल रेलवे एजेंट, प्लीज बी ऑनलाइन। हम आपकी कॉल अपने प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर रहे हैं, कृपया लाइन पे बने रहे। प्लीज बी ऑनलाइन। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी मैंने सर के ALP का फॉर्म डाला था जी। तो सर जी उसमें तो मतलब कि मेरा ये था सर, मेरा जो फोटो है और जो सर मेरा सिग्नेचर सब कुछ ने कर लिया था, उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ऐसा हो रहा है, कल रात मेरे पास टेक्निशियन का मैसेज आया कि भाई आपको जो है ना फोटो और सिग्नेचर जो है दोबारा से अपलोड करने हैं, पर लेकिन सर जो मैंने जो ना जो मेरे फोटो और जो सिग्नेचर है जो मेरे पास जो ALP में देते सेम सर के ना वही फोटो वही तीन टाइम मैंने टेक्निशियन दिया है, तो सर ऐसे कैसे रिजल्ट होंगे? कोई बात नहीं सर, आपको ना फोटो अपलोड करना रहेगा। टेक्निशियन का आया कि ALP का मैसेज आया हुआ सर आपको? नहीं सर, ALP का मेरे पास में कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं आया। तो नहीं आया तो आपको नहीं करना है सर, जिसके पास मैसेज आ रहा है सिर्फ उनको ही करना है, आपको नहीं करना है। जी सर, कॉल या मैसेज या मेल जा रहा है सिर्फ उनके लिए है। लेकिन सर मेरे पास में क्या है, टेक्निशियन का मैसेज आया कि आपको ना री अपलोड करना है फोटो। हाँ तो टेक्निशियन का आया तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, 3-7 तारीख का डेट आएगा उसका, 3-7 तक, तो उसमें आपका वो रिफ्लेक्ट होगा तो उस टाइम होगा, अभी साइट बंद है उसका, ठीक है? तो 3 तारीख से आप ट्राई कीजिएगा उस अपलोड के लिए, ठीक है? जिसका मैसेज आएगा वही करना है जी जी। और सर मुझे एक बात और बताइए सर, जो मैंने फोटो के ना मतलब ALP में क्या ना वो किया था, तो सर वही डालना है या फिर न्यू के ना फोटो डालना है? नहीं सर, वो सर डालना है न्यू फोटो, जो आप जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो सर के नाम जैसे मैंने ALP में डाला सर, वो तो मेरा के ना वो रिजेक्ट हो गया सर के नाम, वो कभी सर ऐसा ना हो कि मैं ALP वाला ही डाल दूं और फिर बाद में फिर वो रिजेक्शन कर दे पाऊं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है? तो मैं ALP वाला भी डाल सकता हूं जो मतलब कि उसने एक्सेप्ट किया हुआ जी। तो अब सर इसमें मुझे क्या कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम आपके कॉल पे कर ले। नमस्कार, यह कॉल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के सहायता केंद्र से है। हमारे द्वारा दिए गए समाधान से आप कितने संतुष्ट हैं? 1 से 5 तक हमें रेटिंग दें।